नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, देश दुनिया में दिवाली का पर्व खुशियों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर किसी की कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। आज से ठीक 12 दिन बाद यानी 23 नवंबर को देवता जागने वाले हैं। उसी दिन देवउठनी ग्यारस या देवउठनी एकादशी मनाया जाएगा। आपकी राशि में ग्रहों का फेरबदल हो रहा है, जिसके आधार पर कुछ अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बारे में जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं मुसीबत और बीमारी का जितनी जल्दी उपाय हो जाए उतना अच्छा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। आपकी परेशानी का समाधान इसी वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, पैसों की समस्या से परेशान हो, माता लक्ष्मी आपसे नाराज है। क्या इसी कारण आपको पैसों की तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है? और दोस्तों, आखिरकार अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? उन्हें की इतने दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सहनी पड़ रही है। बहुत ही खास जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और जो भक्तजन लिख नहीं सकते, वो मन ही मन भगवान कृष्ण और अपने इष्ट देवता का मन ही मन कम से कम दो बार स्मरण करे। दोस्तों, बता दें कि जहां कुछ समय पहले किस्मत आपके साथ बहुत अच्छी तरह थी, लेकिन अब आपका समय ऐसा आ चुका है कि जिसकी कल्पना आपने कभी भी नहीं करी होगी। कभी भी आप भी भगवान से अकेले में कहते होंगे, आखिरकार क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और आपकी राशि वाले जातकों के जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन इन अगले 12 दिनों में होने वाले हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ही श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा।
मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों, यह तो रही है आपके भाग्य व कर्मों की बात। अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में कि अगले 20 दिनों के अंदर आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे आपका व्यापार बिजनेस करें कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्र में बड़ी तरक्की वाली है। अनुकूल समय है दोस्तों, आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी, खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे, घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा, बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती हैं, युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें, दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। त्योहार की वजह से व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी, काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें, धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता ना करें, ऑफिस में माहौल सुकून भरा रहेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, आपको अपना स्वाभिमान तथा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देंगे, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, युवा अपने भविष्य को लेकर की गई मेहनत के परिणाम पाने में सफल रहेंगे, किसी भी मामले को गुस्से और आवेश में आकर सुलझाने की बजाय शांति से हल निकाले, घरेलू मामलों में बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर किया गया खर्च आपकी बजट को गड़बड़ा सकता है, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें, आपके व्यवसाय बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा लेकिन फायदा ठीक ठाक ही मिल पाएगा, इसलिए सही वक्त का इंतजार करें, नई योजनाओं पर अभी निवेश ना करें, सरकारी कामकाज को लेकर अधिकारियों से अच्छा तालमेल रखने से रुके कामों में मेजी गति आएगी, लव लाइफ में पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर में सुखद और व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखेंगे, मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। दोस्तों, सस्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, मौसम से भी अपना बचाव रखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में देखे जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें।